भाई ने भी हमें कितने खराब मौसम में क्षमा मांगने के लिए भेजा है। हो रे बाजी, काकू से बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें क्षमा मांगने के लिए तब भेजना चाहिए था जब सुहानी हवा चल रही हो, बगिया में फूल खिल रहे हो, कोयल कू कू करके गाना गा रही हो। वाह वाह। वैसे सासवड़ के आने के बाद से आई कुछ बदली बदली सी है। आई नहीं तो मुझे सिखाया था कि जो सही है वो किसी के आगे झुकता नहीं, और अब स्वयं मुझे क्षमा मांगने के लिए भेज रही है। सासवड़ की बात है, तू सासवड़ भी छोड़ देना बाजी। अनेक लक्ष्य टेव, कभी कभी स्थिति ऐसे आती है कि हमें ना चाहते हुए भी झुकना पड़ता है। ऐसी स्थिति के चलते मेरा विवाह नम्रता से हुआ था। कोटिया, तेरी हर बात घूम फिर के नम्रता पर कैसे आ जाती है? इसी को तो प्रेम कहते रे बाजी। क्या तू नहीं समझेगा? अगर इसे तुझे समझना है तो तुझे विवाह करना पड़ेगा। सालेल, हम शिवबाई साहेब से क्षमा मांगने आए हैं। वो तुमसे नहीं मिल सकती। मेरी आई ने मुझे आदेश दिया कि मैं तुम्हारी आई से क्षमा मांगू, और मैं अपनी आई का आदेश नहीं टाल सकता। और हम अपनी आई की बात नहीं टाल सकते। उन्होंने कहा कि नहीं तुम हमारे परिवार से बात करोगे, नहीं हम तुम्हारे परिवार से। इसलिए अपने इस लंगूर मित्र को लो और यहाँ से चले जाओ। गोटिया लंगूर नहीं है। जानते हैं, हम तुमसे नहीं इससे बात कर रहे थे। बाजी कन्ने चतुर है, कितनी चतुराई से तुझे लंगूर बोल दिया रे। जिस पर बाजी का अधिकार नहीं वो उसे मांगता नहीं, और जिस पर बाजी का अधिकार है वो उसे छोड़ता नहीं। तुम्हारी आई से क्षमा मांगना मेरा अधिकार है। यहाँ तुम्हें अधिकार नहीं धिक्कार मिलेगा। ये हमारा इलाका है, यहाँ हमारी आज्ञा के बिना तुम्हें कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। लो बढ़ा लिया, अब बताओ क्या करोगे? ये तुम्हारा इलाका था, बाजीराव जहाँ पाँव रखता है वो इलाका उसका हो जाता है। अब मुझे यहाँ आने से ना तुम रोक सकती हो ना तुम्हारी आई। क्या हुआ? शाहू जी ने क्या कहा? कुछ कहा क्या? आहो, बात राजनीतिक भी है और पारिवारिक भी। शाहू जी ने एक ऐसा आदेश दिया है जिससे हमारा बाजी एक ऐसे बंधन में बन जाएगा जिससे उस 7 जन्मों तक नहीं तोड़ पाएगा। मंजे, मैं कुछ समझी नहीं। शाहूजी ने बाजी का रिश्ता महाजी की पुत्री काशी से तय कर दिया है। काय? आसमान का चांद तोड़कर जमीन पर फेंका नहीं जाता। अपने से ऊंचे कुल का नहीं तो अपनी बराबरी का तो वंश ढूंढते। आपने ढूंढा भी तो क्या? बालाजी और उसका परिवार, न वंश उत्तम न वर। आपने देखा है न बाजी को, एक उद्दंड और उपद्रवी बालक है। आज उसने हमारे साथ बस। बालाजी यहाँ राज्य से पेशवे, और बाजी भी वीर और देशभक्त लड़का है। उसके तरीके और तेवर औरों से अलग है माना, लेकिन हमें भी अपनी पुत्री के लिए झुंड में चलने वाली भेड़ नहीं, अकेला चलने वाला सिंह चाहिए। हम हाँ कह चुके हैं क्योंकि ना कहने का हमारे पास कोई कारण नहीं था। मैंने तुम्हारी आई के बारे में एक शब्द क्या कह दिया तो तुमने मुझ पर हाथ तक उठा दिया।
यदि तुम अपनी आई के बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकती तो मैं कैसे सुन सकता हूँ? धूर्त, तुमने मुझे धोखा दिया। हमने तुमको तुम्हारी भाषा में उत्तर दिया। वो क्या कहते हो तुम? राजनीति, कूटनीति। तो ये भी राजनीति कूटनीति है। यदि मेरी आई ने मुझे आदेश ना दिया होता तो भी मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखता। अब हटो और मुझे तुम्हारी आई से क्षमा मांगने दो ताकि ये बात हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लड़ाई शुरू तुमने की थी पर खत्म हम करेंगे। तुम्हें हमारी आई के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी तरफ से हम तुम्हें क्षमा करते हैं, परंतु एक शर्त है कि तुम अपने जीवन में दोबारा अपनी शक्ल हमें नहीं दिखाओगे। बाजी को शर्त स्वीकार है। बाजी की तरफ से मैंने वचन दे दिया और बाजी अपने मित्र का वचन नहीं तोड़ता। यदि इसने ये शर्त ना रखी होती तो भी मैं दोबारा इसका चेहरा कभी नहीं देखता। यदि कभी हम भूल से टकरा गए तो तुम बिना कुछ बोले अपना मार्ग बदल लोगी। प्रसन्नता से। और हाँ, एक बात याद रखना, लड़ाई चाहे कोई भी क्यों ना समाप्त करे पर बाजीराव की हर लड़ाई बाजीराव के जीत के साथ ही समाप्त होती है। हम क्षमा चाहते हैं सरकार, हमें इतना बड़ा निर्णय आपसे और बाजी से बिना विचार विमर्श किए लेना पड़ा। उन्होंने देश और स्वराज के लिए हमसे हमारा पुत्र मांगा, हमने दे दिया। आपने हाँ कर दी, पर जब शिव भाई और महाजी को ये पता चलेगा कि हमारा पुत्र अल्पायु है तो क्या वो इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे? हमें उन्हें सत्य बताना होगा। जिस कन्या का जीवन बाजी के जीवन से जुड़ने वाला है उसे एवं उसके माता पिता को हमें ये बताना होगा कि बाजी की जीवन रेखा बहुत छोटी है। हमें उनसे मिलना होगा। हमें किसी भी स्थिति में इस विवाह को रोकना होगा। पेशवीन भाई आणि आमच्या घरी आप और आपका पुत्र वैसे ही हमारा सम्मान ले चुके हैं। शाहू जी की आज्ञा से हमारी बेटी भी ले लेंगे। अब और क्या बचा है पेशवीन भाई, जिसे लेने के लिए आपको स्वयं हमारे घर आना पड़ा? मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई हूँ, आपको कुछ बताने आई हूँ। मोहिनी सर, आप प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, अचानक जिस घर की शान को देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ती है उसी घर की बेटी को अपनी बहू बनाने के स्वप्न देख रही हैं आप? घर आए अतिथि से ऐसे बात की जाती? ये शिष्टाचार इन्हीं से सिखाया है हमने। ये और उनका पुत्र घर आए मेहमान से ऐसे ही व्यवहार करते हैं। अनि मी पन टेक्स केला। मैं जानती हूँ शिव भाई साहब, आप मुझे अपमानित कर रही है ताकि मैं गुस्से में आकर ये रिश्ता तोड़ दूं। पर मला क्षमा करा, राज आज्ञा का पालन करना मात्र पेशवा का ही नहीं पेशवीन भाई का भी धर्म होता है। भले ही मुझे और मेरे परिवार को शिष्टाचार निभाना ना आता हो पर धर्म निभाना आता है। और आज आपसे यहाँ एक पेशवीन भाई नहीं एक माँ मिलने आई है। एक ऐसी माँ जिसका पुत्र अल्पायु है। उनको
कैसे शक्य है? बाजी तो एक स्वस्थ और वीर बच्चा है। बाजी की कुंडली स्वयं ब्रह्मेंद्र स्वामी ने बनाई है और उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि बाजी अल्पायु है। आणी ब्रह्मेंद्र स्वामी जी की कही हुई बात कभी गलत नहीं होती। आहो, तुम ही सांगत होते ना कि आपको इस रिश्ते को मना करने के लिए कोई वजह नहीं मिल रही। देखिए कारण मिल गया। माँ बाप बेटी को सुहागन बनने के लिए विदा करते, विधवा बनने के लिए नहीं। पहले तो ये पता था कि इनके पास धन धान्य नहीं है, अब पता चल रहा है बाजी के पास जीवन भी कम है। जीवन में कितने पल हैं ये गिनना तो कायरों का काम होता है भाई साहब, पर वीर तो हर पल में जीवन कितना है ये देखता है। मेरे पुत्र की आयु कम है पर कहानी बड़ी होगी। ब्रह्मेंद्र स्वामी ने बाजी के अल्पायु होने के अलावा और दो भविष्यवाणियां भी की थी। ये कुंडली देखकर हम तीन भविष्यवाणियां करते हैं। ये है आपका पुत्र अजय, अद्वितीय पर अल्पायु। बाजी एक दिन में अढ़ाई दिन जीता है, एक रात में अढ़ाई रात जागता है। उसने आज तक जो कुछ भी किया है वो करने के लिए लोगों को पूरी आयु लग जाती है, और वो इसके बाद जो कुछ भी करेगा वो कोई सात जन्मों में भी नहीं कर पाएगा। राहुल या पेशविन भाई, हमारी बेटी इतनी भी अभागी नहीं है कि उसका विवाह किसी अल्प आयु वर से करना पड़े। हमें योद्धा की आयु नहीं देखी जाती, उसका शौर्य देखा जाता है। साधारण व्यक्ति जाने के बाद सिर्फ यादें छोड़ के जाता है, पर बाजी जैसा योद्धा यादें नहीं यश छोड़ के जाता है। और जो भी कन्या उसका हाथ थामेगी वो बाजी के यश की भागीदार होगी। जब तक ये संसार रहेगा तब तक बाजीराव का नाम रहेगा, और उसके साथ जो भी नाम जुड़ेगा वो किसी भाग्यवान का ही होगा, अभागी का नहीं। अब इसके बाद भी अगर आपको इस रिश्ते से आपत्ति है तो आप शाहू जी से बात कर सकते हैं कि वो अपना आदेश वापस ले लें। ये थे। बाजी का जीवन छोटा ही सही, पर वो अपने इस छोटे से जीवन में ही कई जीवन जी लेगा। जीवन का असली उत्सव वही मनाता है जो मृत्यु की उंगली पकड़ कर जिए। मृत्यु कभी ना कभी तो हर किसी का द्वार खटखटा ही देगी, और यदि मृत्यु के भय से जीवन जिएंगे तो जीना असंभव हो जाएगा। महाराज जी, महाराज हम जानते हैं ये विवाह आपकी राजनीति के लिए बहुत आवश्यक है, पर एक आई का हृदय राजनीति नहीं समझता। हम कैसे अपनी पुत्री का विवाह एक अल्पायु वर के साथ करते? वो उस व्यक्ति के साथ क्या सुख देखेगी? शिव भाई साहेब, हमारे पिता के जीवन का अंत भी युवावस्था में ही हो गया था, पर इसका यह अर्थ तो नहीं कि उन्होंने अपना जीवन ही नहीं जिया। यदि हर माँ आप जैसे सोचने लगे तो बाजी ही क्या, किसी भी सैनिक का विवाह नहीं हो पाएगा। आपके तर्क से तो हमारा विवाह भी नहीं होना चाहिए था। हम शत्रु की कैद में थे, मृत्यु की तलवार हर पल हमारे सर पर मंडराती रही, पर फिर भी अंबिका बाई यानी सावित्री बाई के माता पिता ने उनसे हमारा विवाह करवाया, क्योंकि उन्होंने भय को नहीं आशा को चुना। हम आपसे भी यही अपेक्षा रखते हैं। बाजी जैसे महायोद्धा की जीवन संगीनी बनना आपकी पुत्री के लिए गर्व की बात होगी। महाज जी, विवाह की तैयारी शुरू की जाए। हम चाहते हैं कि वर्षा ऋतु समाप्त होने से पूर्व ये शुभ कार्य संपन्न हो जाए। आदरणीय पेशविन भाई साहेब प्रणाम। बाजी के अल्पायु होने की भविष्यवाणी सुनकर हमारा हृदय विचलित अवश्य हुआ था, परंतु शाहू जी से मिलने के बाद
हमारे विचार बदल गए हैं। और सत्य तो यही है कि मात्र बाजी का ही नहीं बल्कि संसार का प्रत्येक जीवन सदा मृत्यु की छाया में ही पलता है। पर आने वाली मृत्यु के भय से जीवन जीना नहीं छोड़ा जाता। हमें विश्वास है कि हमारी पुत्री बाजी के साथ जितने भी दिन रहेगी सुख से रहेगी, सम्मान से रहेगी। हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि साखरपुड़ा की रस्म जल्दी से जल्दी की जाए। महाजी, विश्वास नहीं हो रहा, हमारा बाजी इतना बड़ा हो गया कि उसका विवाह होने जा रहा है। विश्वास तो आपको भी देखकर नहीं होता कि आप सास बनने जा रही हैं। आप तो अब भी नवविवाहित लगती हैं सरकार। ईशा, मैं नम्रता से मिल के रहता हूँ, मेरा मतलब है चिमनी और व्यू से भी। बाजी, तुझे इतना समय क्यों लग गया? मैं महाराज जी के घर से बाहर निकला तब वर्षा आरंभ हो गई और फिर एक काका की बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी तो उसे निकालने में समय लग गया। क्या हुआ महाराज जी के घर पे? शिव काके से तो मैं नहीं मिल पाया पर उनकी अकड़ू और उदंड बेटी काशी ने मुझे उनके स्थान पर क्षमा कर दिया। अरे पर मैंने उनसे क्षमा मांग लिया, अब मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं सुनना। बाबा, मैं और मल्लारी भी आपके साथ चलेंगे। वर्षा ऋतु में इतनी लंबी यात्रा अकेले नहीं करनी चाहिए। नहीं बाजी, तुम्हें यहां रहकर अपनी आई का ध्यान रखना है। हम बीच में लौटेंगे पर संभावना है कि जब हमारे घर में नया मेहमान आए तब हम यहां ना हो, इसलिए हम चाहते हैं बाजी हमारी अनुपस्थिति में तुम घर की जिम्मेदारी संभालो। एक बार वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए तुम हमारे साथ चल सकते हो। ये तो हम ही कार्जी क्या सरकार तुम्हें पढ़। आज मेरा उत्तर ही क्यों नहीं मिल रहा? बात क्या है? आई नको। आई, तुझे एक लड्डू तो खाना ही होगा, तेरे लिए ना सही पर शिशु के लिए। चिमना नको नको मला। अरे भीयू, मेरा उत्तर ही ले आना। थाम भीयू। बाजी, आज से मैं और भीयू तेरा कोई काम नहीं करेंगे। आई, मैं समझ गया कि तू मुझे सबक सिखाना चाहती है पर मैं सबक सीख गया। आगे से मैं चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना रहूं अपनी चीजों को सही जगह पर रख दूंगा ताकि मुझे वो सही समय पर मिल सके। पर आई, अभी मेरे पास उस गलती को सुधारने का समय नहीं है, मुझे देर हो रही है। जानती हूँ बाजी, इसीलिए तो सोचती हूँ तुझे कोई चाहिए जो तेरी सहायता करे, तेरे साथ रहे। तुझे एक साथी चाहिए। मल्लारी आए ना? मल्लारी तो है ही पर एक ऐसा साथी जिसके साथ तू अपने सुख दुख बांट सके। ऐसा साथी भी था आई,
पर वो भी विवाह के बाद बदल गया। विवाह के बाद तो तू भी बदल जाएगा रे बाजी। नम्रता, विवाह के बाद वो बदलता है जो विवाह करता है, पर मैं तो विवाह करूंगा ही नहीं। विवाह तो तुझे करना ही पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्दी। मैं साथी की नहीं जीवन साथी की बात कर रही थी बाजी। मैंने और तेरे बाबा ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। महाजी की पुत्री काशी के साथ।